हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे टमाटर गुड़ की मीठी चटनी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ के जी टमाटो लिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर उसे बारीक कट कर लिया हुआ है, कुछ ड्राई फ्रूट्स कट किए हैं, गुड़ लिया हुआ है, सौंफ है और किशमिश ली हुई है मैंने। आइए तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में सरसों का तेल डाला है, इसे गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम राई डालेंगे, राई को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सौंफ ऐड करेंगे, इन दोनों को अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च इसमें क्यों डाल रहे हैं मैं आपको बता दे रही हूँ, वरना आप बोलेंगे अर्चना आपने बताया नहीं। हमारी चटनी जो है वो है मीठी गुड़ वाली, और लाल मिर्च इसे थोड़ा तीखापन देगी, थोड़ी स्पाइसनेस देगी, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे सॉफ्ट होने तक हम अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाएं। और इसे मैं अब एक प्लेट से ढक दे रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ। टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और इसे हमें कुछ मिनट तक खुला रख के पकाना है। और अब हम यहाँ पर इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो, और इसे अच्छे से कुक करेंगे जब तक इसका वाटर रिलीज ना हो जाए। यहाँ पर अब हम गुड़ ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टमाटर में गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, जिससे हमारी चटनी का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि गुड़ हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और चटनी हमारी अच्छे से कुक हो रही है। और अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर चॉप बादाम डाले हुए हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें किशमिश ऐड करूँगी, इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। चटनी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और इसे सर्व करेंगे। यहाँ पर मैं इसे एक बर्नी में सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, और ये चटनी आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, एज अ स्नैक, एज अ लंच, पराठे, पूड़ी, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे भी आप इसे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको चटनी ये कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।